ओम अज्ञान ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरतुविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे थे नित्यानंद जी की बाल लीलाएं कि वो कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण कर रहे हैं, जो जो लीला की अपने सखाओं के साथ वो सब लीला करे हैं, इसी प्रकार अपने सखाओं को संसार को कृष्ण लीला की शिक्षा प्रदान करे हैं। आगे बढ़ते हुए अनदर डे वन बॉय एड्रेस्ड अक्रूर एंड टू कृष्णा एंड बलराम टू कंस कैपिटल। तो एक दिन एक लड़का बना अक्रूर के वेशभूषा धारण किए हुए और कृष्णा और बलराम को ले जाता है मथुरा कंस की राजधानी में। एंड नितिन क्राई इन द मूड ऑफ द गोपीज इट अपीयर्स टू हिज फ्रेंड दैट अ रिवर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज आइज। नित्यानंद जो थे गोपियों के भाव में रो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आँख से नदी बह रही है, यानी प्रेम की प्रधानता। जब प्रेम जितना ज़्यादा होएगा उतने ज़्यादा आंसू होते हैं, जिसके आँखों में आंसू नहीं यानी समझो उधर प्रेम का अभाव है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विष्णु इल्यूजनरी एनर्जी नो वन को रेकोगनाइज नित्यानंद एज ही एंजॉयड पास टाइम विद हिज फ्रेंड। यानी भगवान की माया के कारण कोई पहचान नहीं सका नित्यानंद जी को जब वो लीला कर रहे थे अपने सखाओं के साथ। द चिल्ड्रन अरेंज अ सिटी ऑफ मथुरा एंड देन वॉन्डर थ्रू स्ट्रीट। जैसे कृष्ण जी जब जाते हैं मथुरा में और उन गलियों में घूमते हैं, यहाँ के बालक ने मथुरा शहर का निर्माण किया और वहाँ पे घूमने लगे। समन प्लेड द रोल ऑफ अ गार्डनर एंड समन एक्सेप्टेड अ फ्लावर गार्लैंड फ्रॉम हिम। किसी ने उधर वो क्या बोलते हैं मालिन का रोल प्ले किया और किसी ने उनसे फूल ग्रहण किए। समन ड्रेस एज कुब्जा एंड सैंडलवुड पल्प वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम हर। किसी ने कुब्जा की लीला की और भगवान को चंदन का लेपन किया। अ लार्ज बो वॉज मेड एंड दे ऑल शॉटे एंजॉय व्हेन इट वॉज ब्रोकन। जो एक धनुष जो था धनुष यज्ञ था, उस धनुष का भगवान कृष्ण ने जैसे तोड़ा था, यहाँ पे नित्यानंद जी ने वही लीला की, उस धनुष का भंग किया। दे इनेक्टेड पास्टम ऑफ किलिंग द कोवलिया एलिफेंट एंड द रेस्टलेस चानुर एंड मुस्टिक। तो कहते हैं कि उन्होंने लीला की कोवलिया हाथी का वध करके और जो उनके जो कुश्ती लड़ने वाले थे चानुर और मुस्टिक उनका भी वध किया। देयर आफ्टर कंस वॉज ग्रैब्ड बाय द हेयर एंड थ्रोन टू द ग्राउंड। बाद में जिस प्रकार कृष्ण जी ने कंस को बालों से पकड़ के नीचे पटका था, उसी प्रकार इन्होंने भी कंस को पकड़ के नीचे गिराया। आफ्टर किलिंग कंस द लॉर्ड डांस विद हिज फ्रेंड इन सच अ वे दैट एवरीवन वॉचिंग बिगैन टू लाफ। कंस के वध के बाद नित्यानंद जी ने नृत्य करना शुरू किया अपने सखाओं के साथ इस तरीके से कि जितने भी जो देखने वाले थे उनकी हंसी छूट गई।
In this way, Nityanand and his friends imitated the pastime of the various incarnation. इसी प्रकार नित्यानंद और उनके सखा भगवान के विभिन्न अवतारों के लीला का अनुकरण कर रहे हैं. One day, Nityanand dressed like a Vaman and went to cheat Bali Maharaj out of his kingdom, which covered the three verses. एक दिन नित्यानंद जी वामन अवतार की लीला करते स्वयं वामन बने और बलि महाराज को धोखे से त्रिलोकी को वापस छीन लिया जिसके वो शासक थे. समन प्ले द रोल ऑफ द एज शुक्राचार्य. किसी ने शुक्राचार्य की लीला की. वो फॉरबेड बलि फ्रॉम गिविंग द थ्री स्टेप्स. जिन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा था राजा बलि को, ये विष्णु है आपसे त्रिलोकी छीनने आए हैं, आप इन्हें कुछ दान मत करना. वही लीला ये भी करे हैं. After accepting the gift, the Lord placed his last step on the head of Bali. तो भेंट ग्रहण करने के बाद भगवान ने अपने चरण जो थे राजा बलि के सिर पे रखे. One day, Nityanand enacted the pastime of building a bridge across the ocean with the boys playing the role of monkeys. एक दिन नित्यानंद जी जो थे सेतु निर्माण की लीला कर रहे थे, जैसे राम जी ने किया था त्रेता युग में समुद्र पार जाने के लिए अपने सखाओं के साथ, जो बानर का रोल पर प्ले कर रहे थे. दे कट कैस्टर ऑयल प्लांट्स एंड मेड अ ब्रिज अक्रॉस द वाटर. इन्होंने एक कैस्टर ऑयल प्लांट था और उस पेड़ से उन्होंने पुल बनाया पानी के उस पार जाने के लिए. देन ऑल दी बॉयज एक्सक्लेम जय रघुनाथ. फिर सारे लड़कों ने पुकारे थे जय रघुनाथ जी, राम जी के जय जयकार कर रहे थे. नित्यानंद एक्सेप्टेड द रोल ऑफ लक्ष्मण. नित्यानंद जो है लक्ष्मण जी का कार्य यानी उनका लीला कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे. वो एंग्रिली वेंट विद अ बो इन हिज हैंड टू चैस्टाइज सुग्रीव. जो अपने हाथ पे धनुष बाण लेके गए थे सुग्रीव को दंड देने के लिए. ओ किंग ऑफ द मंकीज माय लॉर्ड इज इन डिस्ट्रेस. ओ बानरों के राजा मेरे प्रभु दुखी हैं. कम क्विकली और ऐशल किल तुरंत आने तो मैं तेरा वध कर दूंगा. हाउ कैन यू सिट हियर एंजॉयिंग विद वुमेन वाइल ही लमेंटिंग ऑन दी माल्यवन माउंटेन. आप यहाँ पे किस प्रकार स्त्रियों के साथ भोग कर रहे हो और हमारे प्रभु दुखी हो रहे हैं माल्यवन पर्वत पे. एंड अदर डे लॉर्ड नित्यानंद स्पोक इन एंगर टू परशुराम. दूसरे दिन नित्यानंद जी जो है क्रोध में परशुराम जी से कहते, ओ ब्राह्मण आई एम नॉट एट फॉल्ट, लीव हेयर एट वंस. मेरा कोई दोष नहीं, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए. लॉर्ड नित्यानंद वॉज ऑब्जॉर्व इन द मूड ऑफ लक्ष्मण. उस वक्त जो थे नित्यानंद जी लक्ष्मण जी के भाव में थे. द बॉयज हाउएवर कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड थॉट इट वॉज जस्ट अ गेम. तो लक्ष्मण जी के भाव में थे और समझ नहीं पाए तो सोचे कि केवल खेल हो रहा है. ऑन अनदर ओकेजन फाइव बॉयज टुक द रोल ऑफ मंकीज एंड द लॉर्ड टुक द रोल ऑफ लक्ष्मण. कोई दूसरे दिन में पांच लड़कों ने उनके सखाओं ने वानर की लीला की और नित्यानंद जी ने लक्ष्मण जी का भाव रोल ले लिया. Who are you monkeys wanting in the forest? आप कौन हो बांदर जो जंगल में विचरण कर रहे हो. I am the servant of Ramchandra. Tell me who you are. मैं तो राम जी का सेवक हूँ, आप लोग कौन हो. They replied, उन्होंने जवाब दिया, We are wandering out of fear of Bali. हम लोग यहाँ पे विचरण कर रहे हैं बाली के भय से. Please take us to Ramchandra. हमें राम जी के पास ले जाइए. विश टू टेक द डस्ट ऑफ ए लोटे. फिर हम प्रभु के चरणों की धूलि को ग्रहण करना चाहते हैं. द लॉर्ड एम्ब्रेस देम एंड लेट देम टू रामचंद्र.
whereupon they fell at his feet. प्रभु उनका आलिंगन करते हैं और राम जी के पास ले जाते हैं जहाँ पे वे उनके चरणों पर गिरते हैं. वन डे द लॉर्ड इनेक्टेड द पास्टम ऑफ किलिंग इंद्रजीत. एक दिन प्रभु जो थे इंद्रजीत का वध करने की लीला कर रहे थे जो मेघनाथ का रोल था. द सन आवन जो रावण का पुत्र है. एंड वन डे इन द मूड ऑफ लक्ष्मण ही एक्सेप्टेड डिफीट. एक दिन लक्ष्मण जी के भाव में उन्होंने पराजय स्वीकार की. मेघनाथ के हाथ से मूर्छित होते रामलीला में तो यही आता है तो इन्होंने भी वही लीला की. समन इन द रोल ऑफ विभीषण वॉज ब्रॉड बिफोर रामचंद्र. कोई एक बालक था जो विभीषण की लीला कर रहा था. उसे राम जी के पास ले जाया गया. एंड राम परफॉर्म्ड हिज अभिषेक और कॉरोनेशन इंस्टॉलिंग हिम एज द किंग ऑफ लंका. और राम जी ने उनका अभिषेक किया और उन्हें राजपथ प्रस्थित किया कि आप लंका के राजा हो. विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया. वन बॉय सेड आई एम द माइटी रावण. एक लड़का कहता मैं तो बलशाली रावण हूँ. नाउ आई एम रिलीजिंग द शक्ति सेल वेपन स्टॉप इट इफ यू कैन लक्ष्मण. मैं अपनी शक्ति छोड़ रहा अगर आप इसे रोक सकते हो तो रोकिए. सेइंग दिस द बॉय थ्रू अ लोटस फ्लावर एंड नितनन एंड इन द मूड ऑफ लक्ष्मण ही फेल टू द ग्राउंड. तो ये कहते हुए उस बालक ने एक फूल जो था कमल का फूल नित्यानंद जी की ओर फेंका और नित्यानंद जी लक्ष्मण जी के भाव में तो मूर्छित हो गए. आफ्टर द लॉर्ड इन द मूड ऑफ लक्ष्मण फेल अनकॉन्शियस. यानी नित्यानंद जी जो लक्ष्मण जी के भाव मूर्छित हो गए. ऑल द बॉयज ट्राइड इन वेन टू रिवाइव. सब लड़कों ने प्रयास किया उनकी मूर्छा दूर करने का. वैन दे फॉर नो सिम्टम्स ऑफ लाइफ रिमेन इन द बॉडी ऑफ नित्यानंद. जब उन देखा कि कोई भी लक्षण नहीं रह गए इनके जीवित रहने के नित्यानंद जी के शरीर में. दे ऑल हेल्ड देयर हेड्स एंड बिगैन टू क्राई. इन्होंने अपना सिर पकड़ के रोना शुरू किया. द लॉर्ड्स फादर एंड मदर केम रनिंग देयर एंड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर वर नो साइन ऑफ लाइफ इन द सन. यानी नित्यानंद जी के माता पिता दौड़ते हुए आए और उन्होंने भी देखा कि उनके प्राण के कोई लक्षण ही नहीं है उनके पुत्र में प्राण के लक्षण. दे देन ऑल्सो फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस. वो भी मूर्छित होकर गिर गए. एवरी वन हु सॉ दिस ट्रेजेडी वाज स्ट्रक विद वंडर. जिसने ये लीला देखी वो आश्चर्यचकित हो गए. एज द बॉय डिस्क्राइब द एंटायर इंसिडेंट. जैसे लड़के वर्णन करते पूरी लीला को. समन सर आई अंडरस्टैंड वाई ही इज अनकॉन्शियस. एक ने कहा मैं समन के ये क्यों मूर्छित हुआ है. प्रीवियसली वन ग्रेट एक्टर प्लेड द रोल ऑफ दशरथ. एंड वेन ही हर्ड दैट राम हैड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट ही लेफ्ट हिज बॉडी. तो पहले एक सखा ने दशरथ जी का अभिनय किया और जब उन्हें पता चला कि राम तो वनवास की ओर जा रहे हैं अपने शरीर का त्याग कर देते हैं. समन एल सेड देयर इज अ बॉय दशरथ हनुमान. इफ ही गिव हिम मेडिसिन ही शैल बी क्योर्ड. किसी ने कहा एक लड़का जो हनुमान जी की का रोल प्ले कर रहा है उनका अभिनय कर रहा है अगर वो दवाई देंगे तो ठीक हो जाएंगे. बिफोर द इंसिडेंट द लॉर्ड हैड इंस्ट्रक्टेड हिज फ्रेंड्स. इस घटना के पहले नित्यानंद जी ने अपने सखाओं से क्या था. वेन आई फॉल अनकॉन्शियस यू शुड ऑल गैदर अराउंड मी एंड क्राई. जब मैं मूर्छित होंगे आप सब मेरे आस पास मुझे घेर लेना और विलाप करना. आफ्टर अ वाइल सेंड हनुमान फॉर सम मेडिसिन. थोड़े समय के बाद हनुमान जी को भेज देना दवाई लाने के लिए. आई विल रिकवर वेन ही पुट्स द मेडिसिन टू माई नोज. जब वो दवाई मेरी नाक पर लगाएंगे तो मैं वापस अपनी जागृत हो जाऊँगा. When the Lord fell unconscious in his own mood, the boys were all bewildered. जब नित्यानंद जी मूर्छित हो जाते हैं तो सारे जो लड़के हैं वो मोहित हो जाते हैं. Because they were so confused, they could not remember the Lord's instruction.
क्योंकि सब विक्षिप्त हो गए थे, समझ नहीं आई थी क्या करना, भूल गए थे कि नितंजय ने कहा था कि वे एक लड़के जो हनुमान का अभिनय करा उसे कह के दवाई लाना, ये भूल गए थे। दे सिंपली क्राइड लाउडली, ओ ब्रदर प्लीज गेट अप, वो केवल रो रहे थे और कहते ओ भाई आप उठ जाइए। बट वेन दी बॉय हर्ड द पीपल्स कमेंट्स दे रिमेंबर नित्यानंद इंस्ट्रक्शन एंड द बॉय डस हनुमान इमिजिएटली वेंट फॉर द मेडिसन। जब उन लड़कों ने बात सुनी कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें याद आया कि नित्यानंद जी ने कहा था कि जो हनुमान बना उससे कहना कि वो दवाई ले आए। अनदर बॉय डस एज अ रेनुसेट वेलकम हनुमान विद फ्रूट्स एंड रूज। एक और लड़का जो था जो त्यागी बना हुआ था वो हनुमान जी का स्वागत करे फल और मूल से। ही सेड टू हनुमान माई डियर सर प्लीज स्टे एंड ग्रेस माई आश्रम। उन्हें हनुमान जी से कहा प्रिय आप यहाँ पे रुकिए और मेरे आश्रम को शोभित करिए। इट इज़ अ ग्रेट फॉर्चून टू मीट सच अ पर्सन एज यू, मेरा असीम सौभाग्य आप जैसे भक्त का मुझे दर्शन होना। हनुमान रिप्लाइड आई मस्ट गो एंड कम्प्लीट माई इम्पॉर्टेंट मिशन, आई वुड लाइक टू कम बट आई कैनॉट डिले। तो हनुमान जी ने कहा पहले जाके मैं अपना कार्य पूरा कराऊँ फिर मैं आऊँगा, मैं उस पर विलम्ब नहीं कर सकता। यू मस्ट हैव हर्ड दैट लक्ष्मण द यंगर ब्रदर ऑफ रामचंद्र हैव बीन रेंडर्ड अनकॉन्शियस बाय द शक्तिशील वेपन ऑफ रावण। आपने सुना है कि लक्ष्मण जी जो राम जी के छोटे भाई हैं वह मूर्छित हुए रावण की शक्ति के द्वारा। देयरफॉर आई एम गोइंग टू गन मादन हिल टू ब्रिंग मेडिसन, ओनली देन विल ही सर्वाइव। मैं जा रहा हूँ गन मादन पर्वत पर जिसे बद्रिकाश्रम कहते हैं दवाई लाने के लिए, तब ये बचेंगे। द रेनु से देन सेड इफ यू मस्ट गो फर्स्ट टेक अ बाथ एंड ईट समथिंग देन यू मे गो। तो उस त्यागी ने कहा कि अगर आपको जाने तो पहले आप तालाब में स्नान कर लीजिए फिर और कुछ खा ली फिर आप जा सकते हो। द टू बॉयज रिपीटेड व्हाटएवर नित्यानंद हैड इंस्ट्रक्टेड देम। उन दोनों लड़कों ने कहा वही कहा जो नित्यानंद जी ने उन्हें शिक्षा दी थी पहले। देयरफॉर एवरीवन गेज्ड एट देम इन अस्टोनिशमेंट एज दे लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। तो सब उनको आश्चर्यचकित होकर देखने लगे जैसे वो वार्तालाप कर रहे थे। देन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रेनुंसिएट हनुमान वेंट टू टेक बाथ इन द लेक। उस त्यागी के कहने के अनुसार हनुमान जी उस तालाब में स्नान करने जाते हैं। वेयर अपॉन अनदर बॉय इन द लेक ग्रैब्ड होल्ड ऑफ हिज फीट। और दूसरे लड़के जो तालाब में थे उसने उनके चरण पकड़ लिए। द बॉय प्लेइंग द रोल ऑफ अ क्रोकोडाइल ट्राइड टू पुल हनुमान इन टू द वाटर। जो लड़का जो पानी में था वो मगरमच्छ का लीला कर रहा था और हनुमान जी के पैर पकड़ के नीचे करना चाहता था। पर हनुमान पुल द बॉय टू द शोर, लेकिन हनुमान जी उस लड़के को तट पे ले आते हैं उपभार। आफ्टर अ शॉर्ट फाइट, थोड़े से युद्ध के बाद हनुमान डिफीटेड द क्रोकोडाइल। हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को पराजित किया। When हनुमान रिटर्न टू द रेनुंसिएट आश्रम, जहाँ हनुमान जी उस त्यागी के आश्रम में जाते हैं, ही सॉ अ माइटी वॉर, उसे देखा कि बहुत बड़ा योद्धा यहाँ पे खड़ा है। अ बॉय ड्रेस एज अ राक्षस देन अटेम्प्टेड टू स्वॉलो हनुमान। तो एक लड़का जो बहुत बड़ा राक्षस बना था वो हनुमान जी को निगलने का प्रयास कर रहा था। ही चैलेंज यू हैव डिफीटेड द क्रोकोडाइल बट हाउ विल यू डिफीट मी। आपने उस लड़के ने कहा आपने मगरमच्छ को तो पराजित किया, मुझे कैसे करोगे। आई विल, मैं आपको खा जाऊंगा। देन हु विल रिमेन रिवाइव लक्ष्मण, तो फिर लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा। हनुमान रिप्लाइड योर रावण इज अ डॉग। हनुमान जी कहते तेरा रावण तो कुत्ता है। आई कंसिडर हिम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट गेट आउट ऑफ माई वे, मैं उसको एक तुच्छ मानता हूँ तो मेरे रास्ते से अलग हो जा।
In this way, the two first exchange some harsh words. इस प्रकार दो लोग पहले दोनों जो हैं कठोर शब्दों का प्रयोग करते रहे. Then they began pulling each other's hair. फिर एक दूसरे के बाल को खींचने लगे. And finally they began striking each other with their fists. और बाद में एक दूसरे को मुक्का से प्रहार करने लगे. After promptly defeating the demon, सब राक्षसों को मारने के बाद हनुमान अप्रोच दी गणमादन हिल. हनुमान जी जो है गणमादन पर्वत पर जाते हैं. देयर हनुमान फॉट विद सम बॉयज हु वर ड्रेस्ड एज गंधर्वस. उधर हनुमान जी ने कुछ लड़कों के साथ युद्ध किया जो गंधर्व की तरह थे. आफ्टर डिफीटिंग द गंधर्वस हनुमान टुक दी गणमादन हिल ऑन हिज हेड टू लंका. तो उनको गंधर्व को भी पराजित करने के बाद हनुमान जी ने उस गणमादन पर्वत को उठा के लंका की ओर जाते हैं. Another boy playing the role of a doctor remembered Lord Ram as he held the medicine to Lakshman's nose. दूसरा जो लड़का था सखा था उनका जो वैद्य का अभिनय कर रहा था राम जी का स्मरण करके उस दवाई को लक्ष्मण जी के नाक पे लगाई. At that very moment, Lord Nityananda regained his consciousness. उसी समय नित्यानंद जी ने अपनी मूर्छा का परित्याग किया. Upon which his parents and others there all smiled and lived. तो इससे उनके माता पिता और बाकी लोग थे उनके मुख पे मुस्कुराहट आई उनको अच्छा लगा. हदाई पंडित embraced his son and all the boy became overjoyed. हदाई पंडित जो उनके पिताजी थे अपने पुत्र का आलिंगन करते हैं और सभी लोग आनंदित होते हैं. Everyone asked, dear son, where have you learned all this? सब ने पूछा पुत्र तूने ये सब कहाँ से सीखा है. The Lord smiled and said, these are all my pastime. तो नित्यानंद जी मुस्कुराते कहते हैं ये सब मेरी ही लीला है. मतलब कि इन्हें प्रमाणित किया मैं ही बलराम हूँ और मैं ही लक्ष्मण हूँ और मैं ही नित्यानंद हूँ. लेकिन लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि जब तक प्रभु कृपा नहीं करते हैं तब तक जीव प्रभु को जान नहीं सकता. इन द अर्ली चाइल्डहुड द लॉर्ड वॉज मोस्ट अट्रैक्टिव. बालक अवस्था में हमारे प्रभु नित्यानंद जी बहुत ज़्यादा आकर्षक थे. नो वन वॉन्टेड टू लेट हिम गो फ्रॉम द लैप. कोई नहीं चाहता उनकी गोद छोड़ के वो किधर और जाएं. Everyone had more affection for Nityananda than they had for their own son. सबका नित्यानंद के प्रति बहुत स्नेह था अपने पुत्रों की तुलना में. But no one could recognize him due to the influence of Lord Vishnu's illusionary energy. लेकिन उन्हें कोई जान नहीं सका क्योंकि विष्णु की माया उनको मोहित कर रही थी. जीव ईश्वर का अंश होने के नाते अपने अंश के प्रति आकर्षित होना उसका स्वभाव है. हम लोग आकर्षित इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे हृदय पे अनर्थ है यानी संसारिक कामना है. सबसे बड़ा अनर्थ यह है. ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सब है. हरि नाम करते करते जब अनर्थ निवृत्ति होगी जितनी मात्रा में अनर्थ कम होंगे उतनी मात्रा में हमारा आकर्षण प्रभु के प्रति बढ़ेगा. तो आप खुद अनुभव कर सकते हो. पहले कोई चीज़ सुन के फर्क नहीं पड़ता था. साल दो साल कथा सुनने के बाद नाम जपने के बाद वही चीज़ जब सुनते हो तो मन खिंचा हुआ जाता है. इसी प्रकार कुछ समय और व्यतीत करोगे भजन करते हुए फिर वही जब लीला सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा. आप दौड़ते हुए जाओगे और कुछ समय और जब व्यतीत होएगा वही लीला चल देंगी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे आपसे रहा नहीं जाएगा प्रभु के दर्शन. यानी जिससे जैसे अंतकरण शुद्ध होता जाएगा हरि नाम के द्वारा उतनी मात्रा में हमारा आकर्षण भी प्रभु के प्रति बढ़ेगा. यानी हरि नाम के कारण ही आकर्षण बढ़ सकता है. दूसरा आकर्षण बढ़ाने का कोई उपाय नहीं क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जो है वो हरि नाम से ही होने वाली है. In this way, from the beginning of his childhood, इसी प्रकार बचपन से ही
Nityananda had no happiness other than enjoying the pastimes of Lord Krishna. उनको किधर भी आनंद नहीं आता रहा केवल कृष्ण लीला के अलावा. बात सही भी है, भगवान की लीला में जो आनंद है वो संसार के कोई भी चीज को प्राप्त करने में वो सुख नहीं मिल सकता जो आनंद प्रभु का चिंतन में उन लीलाओं के स्मरण में कीर्तन में मिलता है. हमें लगता है कि हमें संसार में सुख मिला है या मिल रहा है क्योंकि हमने प्रभु की कथा का रस का आस्वादन नहीं किया, नाम का आस्वादन नहीं किया. जब कोई शुद्ध संत मिल जाएगा उन लीला को बड़े भाव और प्रेम से आपके आगे गाएगा तो उन लीला के श्रवण करने मात्र से आपके अंदर कम होंगे और आपका आकर्षण अपने प्रभु के प्रति बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो सारा खेल है साधु संघ का, साधु का संग करो. साधु वो होते हैं जो भजननंदी होते हैं, प्रभु के प्रेमी होते हैं, या तो प्रभु की कथा करते रहते हैं या नाम कीर्तन करते रहते हैं. इसके अलावा उन्हें दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है. जो संसारिक वस्तुओं के प्रति जिनका आकर्षण अभी भी बना है वो वास्तव में अभी साधु बना ही नहीं. साधु बनना बहुत मुश्किल है. केवल प्रभु के अलावा मेरा किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए. इसका मतलब मेरी साधना में कमी है, मुझे और साधन करना है, प्रयास करना है और श्रेष्ठ साधु संग करना है जो भजन नंदी हो, जिनके वाक्य मेरे हृदय का स्पर्श करे और मेरी हृदय की जो ग्रंथियां हैं उनको काट सके. संत का यही काम है, आपके हृदय में जो बंधन है ग्रंथियां हैं उसको काटते हैं, आपके शब्दों के द्वारा प्रहार करते हैं. All of his friends left their parents to constantly support in the company of Nityananda. उनके जो सारे जो मित्र थे अपने माता पिता को छोड़ के हमेशा नित्यानंद का ही संग करना चाहते थे. I offer repeated obeisances at the feet of those boy who enjoyed the association of Nityananda. मैं उन सखाओं को प्रणाम करता हूँ जिन्हें नित्यानंद जी का संग में आनंद प्राप्त होता है. कहते संसार में जो कि माननीय पूजनीय और वंदनीय है वह प्रभु के नाते ही वंदनीय पूजनीय माननीय होता है. प्रभु से विमुख होने के कारण उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं रह सकते, सारे सद्गुण निकल जाएंगे, वो अवगुणी हो जाएगा. और जैसे जैसे प्रभु के प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, नाम कीर्तन करेगा, प्रभु आएंगे तो सद्गुण भी आएंगे तो माननीय और पूजनीय अपने आप बन जाता है. Thus, from his childhood, Nityananda had no interest other than enacting the various pastimes of Lord Krishna. बचपन से ही नित्यानंद जी को कोई रुचि नहीं थी कृष्ण लीला के खेलने के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं थी. तो जैसे जिसे संसार कृष्ण का रस प्राप्त हो गया, कृष्ण नाम का रस, कृष्ण की लीला का रस जिसे भी प्राप्त हो गया उसके लिए संसार के सभी रस फीके पड़ जाते हैं. वो तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कृष्ण नाम और उनकी लीला का रस नहीं मिला. इसलिए कहते साधु संग करते जाइए, कथा सुनते जाइए, निरंतर साधु के मुख से नाम जप करते जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट नाम जप करते जाइए. धीरे धीरे आपको जो उस पर रस मिलेगा. आप लोगों के मैं कितना मूर्ख था, मैं तो तुच्छ वस्तुओं में ढूंढा था, विष्ठा में रस ढूंढा था. रस तो केवल कृष्ण नाम में है, इसके अलावा किधर भी रस नहीं है. Who can describe the pastime of Lord Anant? Lord Anant, यानी शेष नाग के लीला को कौन वर्णन कर सकता है? They are only manifest to one who has received his mercy. ये उन्हीं के आगे प्रकाशित होते जिन्हें कृपा प्राप्त हुई है. यानी भगवान की कृपा से ही भगवान की लीला के दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान के संत मिलते हैं, भगवान अपने संतों को भेजते हैं और उनकी कृपा से लीला को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है.
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती है तभी हमें शुद्ध संत मिलते हैं, और उन संत के माध्यम से जब हम कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तब हम अपने प्यारे प्रभु को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नहीं तो अगर संत का संग नहीं मिला तो न हम प्रभु को जान सकेंगे न समझ सकेंगे। Lord Nityanand remained at home like this for 12 years. Thereafter, he left for visiting his the holy places. Nityanand ji 12 साल तक इसी प्रकार घर में रहे, फिर वो तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद he traveled to holy places for the next 20 years and then finally joined the association of Lord Nityananda. 20 साल तक वो तीर्थ यात्रा करते रहे और बाद में उन्होंने चैत्र महाप्रभु का संग प्राप्त किया। प्लीज लिसन टू दिस नरेशन इन द आदिखंड ऑफ द होली प्लेसेस विजिटेड बाय लॉर्ड नित्यानंद। उन स्थानों को सुने जो आदिखंड में वर्णन किए गए हैं, और जिस स्थान पर नित्यानंद जी गए थे वो ओनली द मोस्ट डिग्रेडेड सिंफुल एथिस्ट वो डेयर क्रिटिसाइज। कहते जो पतित से पतित होते हैं, नास्तिक होते हैं, वही नित्यानंद जी की निंदा करते हैं। यानी प्रभु और उनके भक्तों की निंदा करना अपने पुण्य नष्ट करने के समान है। जीव के सारे मंगल अमंगल में परिवर्तित हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान या उनके प्रियजनों की अगर हम निंदा करें तो। और जो पतित होते हैं वही निंदा करते हैं। जो दुष्ट राक्षस होते हैं उन्हीं को विष्णु से और वैष्णवों से द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवद्गीता में अर्जुन स्वयं कहते हैं 11वें अध्याय के अंदर कि प्रभु जहाँ पे आपके नाम का कीर्तन होता है वहाँ पे सारे जो अमंगल है, भूत प्रेत पिशाच जो हैं और जितने राक्षस, सब उस स्थान को छोड़ के भाग जाते हैं, वहां पे टिक नहीं सकते। सब अर्जुन स्तुति में कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहते जहां पे हनुमान जी का या राम जी का नाम दिया जाता है कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आ सकते। तो अगर हम ऐसे भक्तों की अब भगवान की निंदा करेंगे तो हमारा सारे पुण्य खत्म होने के और हमारा अमंगल ही होना है। That Lord who delivered the entire universe is nothing but an ocean of mercy। जो प्रभु जिसने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार किया वो क्यों? क्योंकि वो कृपा के समुद्र है, वो करुणा निधान है, कृपा के समुद्र है। उन केवल कृपा करें और कुछ नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं भी देंगे, लेकिन वो करुणा निधान, उनके मन बहुत अधिक दया है, इसलिए वो प्रत्येक मनुष्य को चाहते तो केवल अपने मुंह से हरे कृष्णा बोल आ तू निकल जा, मैं तुझे तारने के लिए तो आया हूँ। तो कहते ना कि गुरु की आज्ञा मानो। गुरु की क्या है? गुरु की आज्ञा। गुरु जी ने जब आपको हरिनाम के लिए बुलाया था, बिठा के आ दे तो माला दी थी और कथा हरिनाम करने के लिए। तो अगर जो लोग माला नहीं करते वही तो गुरु की अवज्ञा करते, आज्ञा का पालन नहीं करते। गुरु के एक ही आज्ञा जीव हरिनाम करे और संसार से निकले। गुरु से कथा सुनना और नाम जप की प्रेरणा लेना और नाम जप करना ही वास्तव में गुरु सेवा है, और दूसरी गुरु सेवा की कोई परिभाषा नहीं है। लोग माला ही नहीं करने को तैयार, करना ही नहीं चाहते हैं, सब बहाने ढूंढते हैं नहीं करने के, तो कैसे गुरु उद्धार करेगा तुम्हारा? केवल गुरुजी गुरुजी करने से या हम गुरुजी के दास है भक्त है बोलने से नहीं होता, जब आप उनकी आज्ञा को मानते ही नहीं हो। उत्तरकांड में लाइन आती वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा माने, स्वयं राम जी कह रहे। तो सेवक कौन है? तो जो आज्ञा मानता है। सेवक कौन है? गुरु का, जो गुरु की आज्ञा माने। गुरु की आज्ञा क्या है? जीव हरि नाम करे, माला करे, वो यही तो चाहते हैं, क्योंकि जीव का उद्धार हरि नाम में ही है। उसको ज्यादा ज्ञान समझ में नहीं आने वाला कलयुग के अंदर।
हाँ थोड़ी बहुत लीला समझ सकता है, थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। ध्यान तो सत्यों की बात ही, तो आप कलयुग में कहाँ ध्यान रखते हैं, किसका ध्यान तो सत्युग में लगता था, कलयुग में कहाँ लगता है उसको। केवल क्या, तो नाम कीर्तन का तो निकल जाए, नाम करो निकल जाए, यही तो क्या उसको। जीव अगर हरि नाम नहीं करता है और बहाने ढूंढता है तो ये बहुत ज्यादा अभागा है, तो गुरु की कृपा उसे कभी भी प्राप्त नहीं होगी। गुरु अवज्ञा का और भगवान की अवज्ञा का पाप उसके सिर पे लग जाएगा। तो गुरु आज्ञा के, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का मतलब, गुरु ने जो हरिनाम कहा करने के लिए वो कब को करना है, ना कि लोगों के दोष दर्शन करने, ना निंदा करने हम आए हैं, हम केवल भजन करने आए हैं और कथा श्रवण करने आए हैं। Only by mercy can we know the truth about Lord Chaitanya. Nityanand ji ki kripa se hi hum Mahaprabhu ke bare mein jaan sakte hain. In fact, the glories of Lord Chaitanya are manifested through him. Aur Mahaprabhu ki jo leela prakashit hui hai uske mool mein Nityanand Prabhu hi hain. बगैर नित्यानंद प्रभु कृपा के आप महाप्रभु की लीला को नहीं जान सकते। महाप्रभु की जो लीला है वो नित्यानंद जी के माध्यम से ही प्रकाशित हुई है। क्योंकि नित्यानंद कर्ण गुरु रूप है, तो गुरु ही तो प्रभु की लीला के व्याख्या करेगा, समझाएगा, और कौन करेगा। भाव तो गुरु ही तो देता है। प्लीज लिसन टू टॉपिक लॉर्ड चैतन्य डियरेस्ट एसोसिएट विजिटिंग द वेरियस पिलग्रिमेज साइट्स। आप सुनिए उन विषय को लेके, महाप्रभु के जो सबसे प्रिय सखा है वो भिन्न भिन्न तीर्थों में गए। The Lord first went to Vakreshwar, then he went alone to वैद्यनाथ। पहले वो वक्रेश्वर गए, फिर वो वैद्यनाथ जाते हैं। यहाँ पे तो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे वैद्यनाथ में तो he went to गया एंड देन टू लॉर्ड शिवज अबोर्ड काशी। फिर वो गया जी में जाते हैं, भगवान के चरण चिन्ह उनके दर्शन करते हैं, और फिर शिव जी के स्थान काशी में जाते हैं। वेद गैंजिस फ्लोस टुवर्ड्स द नॉर्थ, वहाँ पे गंगा जी उत्तर की ओर जाती है। सीइंग द गैंजे लॉर्ड नित्यानंद व ग्रेटली प्लीज, गंगा जी के दर्शन करते ही उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ही टुक बाथ एंड ड्रैंक सम वाटर, उन्होंने स्नान किया और जलपान किया। येट हिज ग्रीफ आर नॉट मिटिगेटेड, फिर भी उनके दुख कम नहीं हो रहे थे। इन दी मंथ ऑफ माघ, जनवरी फरवरी, माघ महीना जो होता है जनवरी फरवरी का, द लॉर्ड टुक एन अर्ली मॉर्निंग बाथ एट प्रयाग। प्रयाग में जाके वो स्नान करते हैं माघ के महीने में। देयर ही देन ही वेंट टू मथुरा इज फॉर्मर बर्थ प्लेस, फिर वह मथुरा में जाते हैं जो उनकी जो है जन्मभूमि है, यानी बलदेव जी के रूप में वो देवकी के गर्भ से ही तो गए थे, कहाँ पे, रोहिणी के गर्भ में, और फिर गोकुल महावन में उनका प्रकट्य हुआ था। द लॉर्ड स्पॉटेड इन द वाटर्स ऑफ द यमुना एट विश्राम घाट, वहां पे प्रभु ने क्या किया, विश्राम घाट जहाँ पे प्रभु ने कृष्ण जी ने कंस का वध करने का विश्राम किया था उसे विश्राम घाट कहते हैं। वहाँ पे उन्होंने लीला की खेल कूद किया। एंड देयर आफ्टर वेंट विद ग्रेट इंटरेस्ट टू सी गोवर्धन, फिर वह बड़ी रुचि के साथ गिरिराज जी के दर्शन करने जाते हैं। द लॉर्ड विजिटेड ईच ऑफ द 12 फॉरेस्ट बिगनिंग विद वृंदावन, यानी नित्यानंद जी जो है 12 वनों के दर्शन करते हैं वृंदावन से शुरू करते हुए। वैन ही सॉ द हाउस एंड कोर्टियर ऑफ नंद महाराज एट गोकुल, जब उन्होंने नंद महाराज जी के घर और आंगन को देखा गोकुल में, ही सैट डाउन एंड क्राई प्रोफुली, वो बैठ गए और रोने लगे। जिस हम लोग जाते हैं उखल बंधन के साथ 84 खंबा है, हम जाते हैं उधर। नित्यानंद ऑफर्ड इज ऑब्सेंसेस टू मदन गोपाल,
नित्यानंद जी मदन गोपाल को प्रणाम करते हैं एंड देन वेंट टू हस्तिनापुर द अबोर्ड ऑफ द पांडव, और फिर वो हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों के निवास स्थान में। सीइंग द होम ऑफ दोज डिवोटीज नित्यानंद बिगैन टू क्राई, उन भक्तों के घर जाने पे उनके आंखों में आंसू आए। द लोकल पीपल हावर कुड नॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड सेंटीमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ डिवोशन, यानी नित्यानंद जी के भाव को आम आदमी नहीं समझ पाया क्योंकि उसके अंदर भक्ति भाव नहीं था। यानी भगवान को, भगवान के धाम को, उनकी लीला को, उनके नाम को समझने के लिए संत और भगवान की कृपा से भजन की जरूरत होती है, तभी धाम लीला सब प्रकाश और रूप प्रकाशित होते हैं। एंड नित्यानंद रिमेंबर बलराम ग्लोरियस एक्टिविटीज इन हस्तिनापुर, नित्यानंद जब स्मरण कर रहे थे बलराम जी के जो लीला थी हस्तिनापुर में, ही एक्सक्लेम ओ हलादर प्लीज सेव मी एंड देन ऑफर्ड ऑबिसेंसेस, इन्होंने भाव में कहा हलादर मेरी रक्षा करो और प्रणाम करते हैं। देयर आफ्टर नित्यानंद वेंट टू द्वारका वेर ही जॉयफुली टुक बाथ इन द ओशन, फिर वो द्वारका चले जाते हैं और वो स्नान करते हैं समुद्र में। ही वेंट टू सिद्धपुर द प्लेस ऑफ लॉर्ड कपिल, फिर वो सिद्धपुर में जाते हैं जहाँ पे कपिल मुनि का जन्म हुआ है। देन ही वेंट टू मत्स्य तीर्थ वेर ही डिस्ट्रीब्यूटेड फूड स्टफ एट अ फेस्टिवल, फिर जहाँ पे मत्स्य अवतार होता है उस तीर्थ में जाते हैं और वहाँ पे भोजन का वितरण करते हैं उत्सव के समय। लॉर्ड नित्यानंद देन विजिटे शिव कांची एंड दी एडजॉइनिंग विष्णु कांची, नित्यानंद प्रभु जाते शिव कांची और विष्णु कांची में। ही लाफ्ड व्हेन ही सॉ द टू ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स क्वारलिंग देयर, उन्हें हंसी आई जब देखे दो प्रकार के जो ग्रुप हैं, एक शिव भक्त है और एक विष्णु भक्त आपस में लड़ रहे हैं। तो इसे तो मानस पे लिखा है जो शिव का भक्त विष्णु की निंदा करता है और जो विष्णु का भक्त है और शिव की निंदा करता है दोनों ही नरक में जाते हैं। और शिव भक्ति का फल क्या है, राम के चरण प्रेम उत्पन्न होना, यही शिव भक्ति का लक्षण है। नित्यानंद प्रभु ऑल्सो विजिटेड कुरुक्षेत्र, नित्यानंद प्रभु भी कुरुक्षेत्र जाते हैं, पृथु दख बिंदु सरोवर प्रभास एंड सुदर्शन तीर्थ, ये सारे जो स्थान है गुजरात में आते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद है पृथु देश बिंदु सरोवर प्रभास और सुदर्शन तीर्थ, उधर दर्शन किए। ही ऑल्सो विजिटेड द ग्रेट होली प्लेस प्लेसेस कॉल त्रितकूप, फिर वो जाते हैं त्रितकूप में। ही ऑल्सो वेंट टू विशाल ब्रह्म तीर्थ एंड चक्र तीर्थ, फिर इन तीर्थों में भी जाते हैं। द लॉर्ड विजिटेड प्रति स्रोत वेयर द सरस्वती रिवर फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर प्रभु जाते हैं प्रति स्रोत स्थान पे जहाँ पे सरस्वती विपरीत दिशा में बहती है। द मोस्ट मैग्नेमस नित्यानंद देन वेंट टू नैमिषारण्य, इसके बाद नित्यानंद जाते हैं नैमिषारण्य में। ही देन विजिटेड द सिटी ऑफ अयोध्या वेयर ही क्राइड अपॉन सीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, फिर वो जाते हैं अयोध्या में और वहाँ पे रोते हैं राम जी के जन्म स्थान को देख के। नित्यानंद देन विजिटेड द चंडाल गुह किंगडम वेयर ही फेल अनकॉन्शियस, फिर वो गुह के जाते हैं उनकी राजधानी में और उस दिन के पास निषाद जो गुह है और उधर जाने के बाद वो मूर्छित हो जाते हैं, जिसे जो श्रृंगेरपुर जगह है। सिंपली बाय रिमेंबरिंग द एक्टिविटीज और चांदाल गुहक नित्यानंद लॉस्ट कॉन्शियसनेस इन एक्सटेसी फॉर 3 डेज, केवल उसकी लीला को स्मरण करते हुए किस प्रकार उसने हमारे राम जी की हमारी सेवा की थी। त्रेता में जब वो आए थे उन लीलाओं का स्मरण करते ही 3 दिन के लिए वो मूर्छित हो जाते हैं। ऑन सीइंग द फॉरेस्ट वेयर लॉर्ड रामचंद्र हैज रेजिडेड, उस वन को देखा जहाँ पे रामचंद्र जी ठहरे थे,
Nityanand roll on the ground in separation. Nityanand ji, lot pot hote hai vira mein. Thereafter, the Lord took bath in the Saryu and Kaushik rivers. Phir Prabhu jo hai Saryu aur Kaushik nadi mein shnan karte hain. Then he went to the ashram of Pulsatya Rishi. Phir Pulsatya Rishi ke ashram mein jate hain. Lord Nityanand took bath in the Gomti, Gandaki and Son rivers. Phir Nityanand Prabhu tino nadiyo hain, Gomti, Gandaki aur Son nadi mein shnan karte hain. Then he climbed to the top of the Mahindra mountain. We Mahindra mountain parvat pe chadte hain upar. There he offered obeisances to Parshuram. Wahan pe Parshuram ji ke darshan karke unhe pranam karte hain. Nityanand also visited Haridwar, the source of the Ganges. Phir wah Haridwar jate jahan pe Ganga ji behti hai. The Lord took bath in the Pampa, Bhimarathi, Godavari, Ven and Vipassa rivers. Prabhu jo hai bhin bhin nadiyon sthanon mein jaake snan karte hain. Nadiyon mein Pampa Sarovar mein, Bhimarathi, Godavari, Venav and Vipassa river in nadiyon mein. After seeing Kartikey and Madurai, the most intelligent Nityanand went to Sri Shail, the abode of Shiv and Parvati. Baad mein wo kya karte hain, Madurai chale jate hain Kartikey ke sthan pe. और बुद्धिमान नित्यानंद क्या करते हैं, श्री शैल पर्वत पर जाते हैं जहाँ पे शिव और पार्वती वास करते हैं. शिव एंड पार्वती रिजाइड ऑन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण कपल. शिव और पार्वती जो हैं रहते हैं उस पर्वत पे एक ब्राह्मण दंपति के रूप में. अपॉन नित्यानंद अराइवल देयर दे अंडरस्टूड दैट देयर वर्शिपर लॉर्ड वॉज वंडरिंग ऑन पिलग्रिमेज एज अ मेंडिकेंट. जब नित्यानंद जी वहाँ पे जाते हैं तो शिव और पार्वती समझ जाते हैं कि ये उनके इष्ट हैं, यहाँ पे भी वो एक सन्यासी के रूप में टहल रहे हैं या विचरण कर रहे हैं. देवर मोस्ट सेटिस्फाइड टू रिसीव सच अ गेस्ट. उन्हें बहुत आनंद और तृप्ति ऐसे अतिथि को स्वीकार को प्राप्त करके. एंड पार्वती हैप्पीली कुक फॉर द लॉर्ड. और पार्वती ने स्वयं नित्यानंद जी के लिए भोजन तैयार किया. दे फेड द लॉर्ड विद ग्रेट अफेक्शन. बड़े स्नेह पूर्वक वो नित्यानंद जी को भोजन कराते हैं. एंड नित्यानंद स्माइल एंड ऑफर्ड देम हिज रिस्पेक्ट. नित्यानंद जी मुस्कुराते हैं और उनको आदर प्रदान करते हैं. ओनली कृष्णा नोज व्हाट दे कॉन्फिडेंशियली डिस्कस. केवल कृष्णा जानते हैं कि उनकी आपस में क्या वार्तालाप हुई है. Then the Lord continued his journey to Dravid on South India. फिर के बाद नित्यानंद जी दक्षिण की ओर जाते द्रविड देश में. The Lord visited Venkatnath, Kamakokshipuri, Kanchi and the Kaveri, the best rivers. तो इन सब तीर्थों में जाके नित्यानंद जी जाते हैं. Then the Lord visited the sacred place of Sri Ranganath. फिर वह रंगनाथ जाते हैं. एंड देयर आफ्टर ही वेंट टू हरि क्षेत्र. फिर वह हरि क्षेत्र में उसके बाद जाते हैं. ही विजिटेड द ऋषभ माउंटेन, मदुराई एंड द कृतमाला. फिर वो ऋषभ पर्वत पे गए, मदुराई गए, कृतमाला गए, ताम्रपानी गए एंड उत्तर यमुना रिवर. उस इन सब के दर्शन किए. नित्यानंद प्रभु विजिटेड द आश्रम अगस्त ऋषि इन द मलया हिल्स. यानी यह आता है कर्नाटक तमिलनाडु, जो मलय पर्वत जहाँ पे चंदन उगते हैं वहाँ पे अगस्त ऋषि का आश्रम वहाँ पे वास करते हैं. नित्यानंद प्रभु ने जाके उनके दर्शन किए. द रेसिडेंट देयर वर ऑल जुबिलेंट टू सी द लॉर्ड. वहाँ के निवासी बड़े खुश हुए प्रभु के दर्शन करते हुए. Nityanand stayed as a guest in their ashram and then departed in great ecstasy for Badrikashram. Nityanand ji jo the mehman ke roop mein rahe unke ashram mein aur uske baad chale jate Badrikashram. Lord Nityanand resided in seclusion. Nityanand jo hai ekant mein reh rahe hain. For some days in the ashram of Nand Narayan Rishi. बद्रिकाश्रम में, बद्रिकानाथ धाम में जहाँ पे नर नारायण तपस्या करते हैं, उनके आश्रम में एकांत में कुछ दिन वो रहते हैं. ही देन वेंट टू द आश्रम ऑफ श्री व्यासदेव.
फिर व्यासदेव जी के आश्रम जाते हैं, वो रेकोनाइज द नित्यानंद वॉज बलराम सेल्फ, वो पहचान के नित्यानंद स्वयं बलराम है, क्योंकि बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे माना जगह आती है जहाँ पे व्यास गुफा है, तो व्यास ही वहाँ पे रहते, वो उन्हें पहचान गए ये कौन है, स्वयं बलराम जी हैं। श्री व्यासदेव पर्सनली रिसीव नित्यानंद एज अ गेस्ट, यानी व्यासदेव जी स्वयं इनका स्वागत किया नित्यानंद जी का अतिथि के रूप में, एंड द लॉर्ड ऑफर्ड हिज ऑब्सेंस टू श्री व्यासदेव, और नित्यानंद जी उन्हें प्रणाम करते व्यासदेव जी को। लॉर्ड नित्यानंद देन विजिटेड रेजिडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट, फिर वो बुद्धिस्टों के बुद्ध के स्थानों में जाते हैं, उनके स्थान पे। व्हेन ही अराइव्ड देयर ही सॉ दे वर ऑल सिटिंग टुगेदर, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं देखते कि सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। द लॉर्ड आस्क द क्वेश्चन बट नो वन रिप्लाइड, नित्यानंद जी प्रश्न पूछते हैं लेकिन कोई उत्तर दे नहीं पाता। बिकमिंग एंग्री एट देम द लॉर्ड किक्ड देम इन द हेड बट ऑल सिंपली स्माइल एंड रन अवे, क्रोध में आके नित्यानंद उनके सिर पे प्रहार करते हैं लेकिन वो मुस्कुरा के चले जाते हैं। नित्यानंद फेयरलेसली कंटिन्यूड हिज ट्रेवल्स थ्रू द फॉरेस्ट, नित्यानंद जी भय रहित होके यात्रा कर रहे हैं उस जंगल में। द लॉर्ड इवेंचुअली अराइव इन कन्याकुमारी आफ्टर सीइंग दुर्गा द ही वेंट टू द साउदर्न ओशन, फिर नित्यानंद प्रभु कन्याकुमारी आते हैं और वहाँ पे दुर्गा जी के दर्शन करने के बाद फिर वो दक्षिण समुद्र के दर्शन करते हैं। नित्यानंद देन वेंट टू अनंतपुर एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू पंचपसार कुंड, फिर वह अनंतपुर जाते हैं, उसके बाद पंचपसार कुंड में जाते हैं। ही नेक्स्ट विजिटेड द टेम्पल ऑफ शिवा नोन एज गोकर्ण, फिर वो गोकर्ण जो शिव जी का मंदिर है उधर जाते हैं। ही विजिटेड केरला एंड द वेरियस प्लेसेज इन त्रिगर्त, फिर वो केरला और अन्य स्थानों में जाते हैं त्रिगर्त में। ही देन विजिटेड गॉडेस पार्वती हु ड्वेल्स ऑन एन आइलैंड नियर गोकर्ण, फिर वो माँ पार्वती के दर्शन करने जाते हैं जो वहाँ पे गोकर्ण में रहती है। लॉर्ड नित्यानंद ऑल्सो विजिटेड निर्विंध्या पयोशनी एंड तप्ती रिवर, फिर इन नदियों में भी जाते हैं, निर्विंध्या पयोशनी और तप्ती रिवर के भी दर्शन करते हैं। ही वेंट टू द सिटी ऑफ महिष्मती, महिष्मती शहर में जाते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रेवा रिवर, रेवा नदी पे जाते हैं। ही सॉ मल तीर्थ, क्या देखते हैं, मल तीर्थ को देखते हैं। द लॉर्ड देन पास थ्रू द होली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुरपारक ऑन द वे टू द वेस्ट, फिर वो एक पवित्र स्थान है जिसे सुरपारक कहते हैं, वो दर्शन करते हुए वो पश्चिम की ओर जाते हैं। द फियर एक्सटेक्टेड नितिन प्रभु ट्रेवल इन दिस वे विदाउट फियर ऑफ एनीवन, भय रहित भाव में नित्यानंद जी ऐसे यात्रा करे हैं, उन्हें कोई किसी चीज का भय नहीं है। द लॉर्ड हैड नो कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी ड्यू टू द एक्सटेटेड लव फॉर कृष्णा, उनके अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भाव उत्पन्न होते हैं। समटाइम्स ही क्राइड एंड समटाइम्स ही लव, कभी वो रोते हैं कभी वो हंसते हैं। हु कैन अंडरस्टैंड हिज एक्सटेटिव मूड, कौन उनके भावों को समझ सकता है। एज द लॉर्ड ट्रेवल इन दिस वे, जैसे प्रभु यात्रा करते हैं इस तरीके से, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस ही मेट श्री मादेंद्रपुरी, तो उन्हें मादेंद्रपुरी के दर्शन होते हैं। द बॉडी ऑफ माधवेंद्रपुरी इज एम्ब्यूड विद एक्सटेटेड लव ऑफ गॉड, माधवेंद्रपुरी का जो शरीर है वह प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है। एंड इज फॉलोज पार्टेक ऑफ दोस सेम सेंटीमेंट, और उनके जो सेवक हैं उन्हीं के भाव को ग्रहण करते हैं। संतों के भाव को ग्रहण करना ही वास्तव में संत की कृपा होती है। आप अपनी चप्पल दे दो, शर्ट दे दो, पैंट दे दो, धोती दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए हम लड़ते हैं। उनके भाव को क्यों नहीं ग्रहण करते कि किस प्रकार वो प्रेम में डूबे रहते हैं, उस प्रेम में मग्न रहते हैं। उसका चिंतन कोई नहीं करना, उसका वो भाव को कोई नहीं लेना चाहता, बाकी
जो वस्तु है जिससे कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है उसी के लिए हम लड़ते रहते हैं प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब कि हमारी बुद्धि कितनी तुच्छ है, वास्तविक चीज को हम ग्रहण नहीं करते भावों को, और अन्य वस्तुओं के लिए हम लड़ते हैं। He did not relish anything other than loving sentiments for Lord Krishna, who enjoyed his pastime in the body of Madhendrapuri. जो मादंदरपुरी थे उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, केवल कृष्ण के भाव में डूबे रहते थे हर समय, और भगवान भी उनके शरीर के माध्यम से अपनी लीला का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है मादंदरपुरी का कि भगवान स्वयं उनके माध्यम से अपनी लीला का आस्वादन भी करते हैं। वॉट मोर कैन ए से अबाउट द डिवोशन ऑफ ही हु वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। कहते मैं क्या कहूँ उनके बारे में जो अद्वैत आचार्य के भी गुरु लगते हैं, मादंदरपुर जो अद्वैत आचार्य के गुरु लगते हैं। When Nityanand saw Madhavendrapuri, he was immediately stunned in ecstatic love and fell to the ground unconscious. Nityanand Prabhu जो है जब वो Madhavendrapuri के दर्शन करते हैं वो स्तंभित हो जाते हैं प्रेम में और मूर्छित हो जाते हैं। तो Madhavendrapuri जो है वो माध्वाचार्य के जो शिष्य थे लक्ष्मीपति तीर्थ उनके शिष्य है ये मादेंद्रपुरी। तो मादेंद्रपुरी के आने तक कृष्ण की पूजा तो होती थी लेकिन वात्सल्य भाव में होती थी, बाल रूप में। ये मादेंद्रपुरी की ही वजह से माधुर्य भाव में राधा कृष्ण की उपासना शुरू हुई है, मूल में मादेंद्रपुरी ही है जो नंद नंदन की उपासना करने शुरू की इन्होंने इस भाव में। नहीं तो उसके पहले जो थे कृष्ण के उपासक थे लेकिन कौन से भाव में करते थे, ये बाल्य भाव में पूजा करते थे। श्री गौर चंद्र हैज रिपीटेडली स्टेटेड दैट श्री मादंदरपुरी इज द ओरिजिनल रूट ऑफ वर्शिप इन एक्सटेटिक लव। गौर चंद्र कहते हैं बार बार कि मादंदरपुरी कौन है, कि यही मूल है जो माधुर्य भाव प्रदान करने वाले हैं, इन्हीं के माध्यम से ये जो है माधुर्य भाव जागृत हुआ है जो प्रेम की अवस्था में ले जाते हैं। आफ्टर दे बोथ फेल अनकॉन्शियस, जब दोनों मूर्छित होते एक दूसरे के दर्शन करके, द डिसाइपल हेडेड बाई ईश्वरपुरी ऑल बिगैन टू क्राई, जो उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी समेत सब रोने लगे। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे रिगेन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस दे हेल ईच अदर नेक एंड बिगैन टू क्राई, जब उनकी चेतना जागृत हुई एक दूसरे को गले से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं और रोते हैं, क्योंकि दोनों प्रेमी अब दोनों प्रभु के भक्त हैं। Overwhelmed in ecstatic love for Krishna, they then roll in the sand and cried out loudly. यानी कृष्ण के भाव में डूबे हुए, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए वो लोटपोट होते हैं जमीन पे मिट्टी पे और जोर जोर से रोते हैं। Tears of love float like rivers from their eyes and soaked mother earth. उनकी आंखों से जो अश्रु बहे उससे धरती जो है गीली हो गई। Thereby making her feel gratified, और पृथ्वी जो है तृप्त होती है कि मेरे जो प्यारे हैं इष्ट हैं कौन है, ये लक्ष्मण जी या हमारे बलराम जी नित्यानंद जी के माध्यम से उनके आंसू हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, उनके चरण पड़ने मात्र से भी पृथ्वी खुश हो जाती है, आंसू प्रेमी भक्तों के आंसू है, पृथ्वी अपने आप को धन्य महसूस करती है। Shivering, shedding tears, hair standing on end, जो सातवें विकार है कंपन होना, आंख से आंसू बहाना, बाल खड़े होना, and others ecstatic symptoms appeared without end, और अन्य जो सातवें भाव है उनके अंदर जागृत हुए। For Lord Nityanand personally resides in their body, क्योंकि Lord Chaitanya personally resides in their body, क्योंकि चैतन्य स्वयं उनके शरीर में रहते हैं। प्रभु जो है
अपने प्रेमी भक्तों के माध्यम से ही तो बड़े बड़े काम करवाते हैं, अपनी कृपा शक्ति देके। यानी आप देखोगे हमारे जो षड गोस्वामी है, रूप सनातन, गोपाल भट्ट, अन्य जितने भी गोस्वामी हैं, तो प्रभु की कृपा बगैर कोई ग्रंथ लिख सकता है? प्रभु की कृपा के बगैर कोई उनकी वाणी को एज इट इज पेश कर सकता है? प्रभु ने स्वयं तो 8 श्लोक कहे शिक्षाष्टक के रूप में, लेकिन सारी जो वाणी है अपने भक्तों के द्वारा इन्होंने प्रकाशित की। इसे जब हम रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी के ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, हम एक्चुअली महाप्रभु की ही वाणी को फॉलो करें, क्योंकि प्रभु को अपने भक्तों को श्रेय देने में बहुत आनंद आता है, अपने भक्तों से काम करवाते हैं और कृपा शक्ति देंगे, मगर उनका कुछ अंश जाएगा या कृपा शक्ति तो ही तो कर पाएंगे, तो इनके शरीर में भी उन्हीं का वास होता है। लॉर्ड नित्यानंद सेड, व्हाटएवर पिलग्रिमेज आई हैव परफॉर्म्ड टिल नाउ हैज टुडे बोर्न फ्रूट। नित्यानंद जी का, जो मैंने आज तक जितने भी तीर्थ किए हैं उसका फल मुझे आज मिला है। टुडे आई हैव सीन द लोटस फीट ऑफ माधवेंद्रपुरी By seeing the ecstatic love of God, my life has become successful। मुझे माधवेंद्रपुरी के दर्शन हुए, उनके दर्शन करने मात्र से मेरा जीवन सार्थक हो गया। यानी सब तीर्थों का फल क्या होता है, या प्रभु के दर्शन का फल, संत का दर्शन। कौन से संत? जो प्रेमी संत है वो आपके अंदर प्रेम का संचार कर सकते हैं। प्रेमी संत ही आपके अंदर प्रेम का संचार कर सकते हैं। जो प्रेमी नहीं, वो आपको प्रेम कैसे देंगे? माई लाइफ हैज बिकम से, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अगर प्रेमी भक्त आपको कभी जीवन मिल जाता है तो अपने जीवन को सार्थक समझिए कि आप, मेरे को प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होने वाली है। क्योंकि प्रेमी भक्त के लक्षण यही होंगे, वो निरंतर कृष्ण कथा करेगा और नाम जप करता रहेगा और उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई संसारी आकर्षण नहीं रहेगा, ना कोई संसार की व्यर्थ की चर्चा करेगा। ये लक्षण है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए। मीरा के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े आंखों में आंसू आ जाते, प्रेम उत्पन्न हो जाता था। सूरदास जी के दर्शन से, तुलसीदास जी के दर्शन से, हमारे गोस्वाम महाप्रभु के दर्शन से, जिसको महाप्रभु स्पर्श करते हैं वो भक्त बन जाता है, वो आगे जिसको स्पर्श कर वो भक्त बन जाता है। इस प्रकार पूरा गांव का गांव भक्त बन जाता था। यही तो विशेषता है हमारे महाप्रभु की, कि भगवान अपने भक्त, जो भगवान का जितना भजन करेगा उतनी मात्रा में प्रभु की कृपा का अधिकारी बनेगा। भजन बढ़ने से ही कृपा के अधिकारी हम बनते हैं, तब प्रभु आपके हाथ से बड़े बड़े काम करवाएंगे। क्योंकि नाम की सेवा मतलब नाम और नामी में भेद नहीं है, तो ये प्रभु की शरीर की ही तो सेवा हो रही है। जब हम नाम की सेवा करो तो आप प्रभु के शरीर की सेवा करो, और जब प्रभु के शरीर की सेवा होगी तो प्रभु बड़े खुश होते हैं और अपने भक्तों से बड़े बड़े काम करवाते हैं। इससे भक्तों को श्रेय देना उन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि भक्त उनके शरीर की सेवा करता है। कैसे करता है? नाम के द्वारा। नाम के द्वारा शरीर की सेवा होती है। ये नाम कोई साधारण चीज नहीं है। नाम सेवा जिसका हम कहते हैं कि माला करते रहता है, नाम सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है और अन्य सेवा सब गौण है। जिसके जी उपेक्षा हमेशा करता रहता है गलत है, क्योंकि जीव से ज्यादा भजन नहीं होता, इसलिए उसे अन्य सेवा दी जाती है। कम से वो पाप कर्म से तो बचेगा और धीरे धीरे वैष्णवों की सेवा करे। कौन से वैष्णव? जो भजनानंदी होते उन वैष्णवों की सेवा करेगा तो उसके अंदर भक्ति का संचार होगा, उसका नाम निष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन जब वैष्णव जो सो काल दिखने में वैष्णव आते हैं, अगर वो भजन नहीं करे और कहते कि हम सीधे हमारी सेवा करो, तो ये बात गलत है। तो आप अगर उसको सेवा ले रहे हो और उसके अंदर भजन का संचार नहीं हो रहा है, तो आप अपने सारे पुण्य उसको अर्पण करो और उसके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि सेवा तो ले रहे हो लेकिन उसके बदले उसको क्या दे रहे हो? तुम भक्ति का संचार कर पा रहे हो, नाम का संचार कर पा रहे हो, तो क्या फायदा सेवा लेके? फिर तुम पहले खुद साधन करो। अगर तुम किसी से नहीं करवा सकते हो तो तुम क्यों सेवा ले रहे हो? तो वैष्णव बनना बहुत मुश्किल है,
बहुत भजन करना पड़ेगा तब हृदय परिवर्तित होता है, गुण साधु संग करना पड़ता है। अगर आपके अंदर प्रभु के प्राप्ति की भूख है तभी प्रभु कृपा करेंगे आपके ऊपर, आपको वैसे संतों के दर्शन कराएंगे जो आपको सहायता करते आगे बढ़ने में। मादंद पूरे अम्ब्रेस्ड नित्यानंद एंड वॉज अनएबल टू रिप्लाई बट हिज थ्रोट वॉज चोक्ड विद लव। मादंदरपुरी नित्यानंद जी का आलिंगन करते हैं लेकिन वह कुछ उत्तर नहीं दे सके, उनका गला रुंध गया था प्रेम के कारण, आंसू बह रहे थे, गला रुंध गया था, तो कैसे उत्तर देते। अरे भैया जब किसी मनुष्य का मुख पानी के अंदर होएगा तो कोई मुंह से बात निकलती है, नहीं निकल सकती ना, जब पानी के बाहर आएगा तभी तो बोल सकेगा, जब प्रेम में डूबेगा तो वो क्या बोलेगा, वो तो केवल रोता ही रहेगा। उसके मुख से कोई बात नहीं निकल सकती है जो प्रेम में डूबा हुआ है, वो रात दिन केवल विलाप करता रहेगा कृष्ण के लिए और उसके दर्शन लीला के, क्योंकि उसको लीला के दर्शन नहीं होते हैं तो व्याकुल होता है, पागल की वाली अवस्था होती है, कृष्ण हा कृष्ण तू किधर है, कब तेरे दर्शन होंगे, तू किधर है कब। और जब उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है, वो कहता है प्रभु इस शरीर को छुड़वा दे जिससे तेरा भजन ना हो, वो शरीर को रख के क्या करूँगा, मुझे एक दिव्य शरीर दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूँ, इस भाव से वो अपने शरीर का परित्याग करता है। ये भाव हमको रखने हैं मृत्यु के समय, यानी कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी आयु बढ़ा दो, मेरी रक्षा करो, ये वो, ये सब गलत बातें, ये अज्ञानियों की भाषा है, ये अज्ञानियों की भाषा, भक्तों की भाषा नहीं है। क्योंकि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तब भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं मृत्यु के समय, अपनी स्मृति देके, अपनी याद दिला के उसकी रक्षा करते हैं। ये नहीं कहना कि उसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु आई है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का स्मरण करके छोड़े तो उसका बेड़ा पार उद्धार हो गया। ये नहीं कहना कि मर गया क्या फायदा, पूजा करके क्या फायदा, योग ये कर, फायदा यही है कि उसको प्रभु की स्मृति मिली है, और जिसको प्रभु की स्मृति याद नहीं है मृत्यु के समय, एक्चुअली वो धोखा खा गया है। श्री माधवेंद्र पुरी वॉज सो प्लीज दैट ही वॉज अनएबल टू रिलीज नित्यानंद फ्रॉम हिज एम्ब्रेस। माधवेंद्र पुरी इतने खुश हुए कि वो नित्यानंद जी को नहीं छुड़ा सके अपने आलिंगन से। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी एंड अदर डिसाइपल्स ऑफ मादंदपुरी ऑल फेल ग्रेट अटैचमेंट फॉर नित्यानंद। कहते ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी और अन्य जिनके उत्ते शिष्य थे मादंदपुरी के, उन्हें बहुत ज़्यादा आसक्ति हुई, बहुत ज़्यादा खुशी और आसक्ति हुई नित्यानंद जी को देख के। They had previously come across many sadhus, but they had never seen such devotional symptom. बहुत से साधु के दर्शन किए लेकिन ऐसे भाव नहीं देखे, क्योंकि भाव की अवस्था में कोई कोई ही होता है, क्योंकि भजन भी तो कोई कोई ही करता है, बहुत दुर्लभ है हरि नाम करना, थोड़े से दो चार माला तो कोई भी करेगा, जो रियल भजन है, जो खूब माला 2 लाख 3 लाख हरि नाम करने वाले अति दुर्लभ, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ होते हैं, और जो इस स्तर पे भजन करते हैं उन्हीं के अंदर प्रेम होता है, वही कृपा के पात्र होते हैं। थोड़े भजन से ठीक है मृत्यु सुधर सकती है, अगले जन्म में भजन करना, जब अगर आपकी संख्या पूरी नहीं हुई है, आपके कर्म खत्म नहीं हुए, तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना और क्या कर सकता हूं, क्योंकि आप करना नहीं चाहते जन्म में खत्म। हम कहते हैं भजन करो 3.5 करोड़ जब पूरे करो, आप लोग सुनने को तैयार नहीं, आपसे माला होती नहीं, कोई बात नहीं, नाश तो नहीं होगा, बुरा तो होएगा नहीं, थोड़ा भी भजन किया है, अगले जन्म में आपको फिर मौका दिया जाएगा भजन करने का। अगर इसी जन्म में ख़त्म करना चाहते हो तो भैया खूब हरिनाम कर लीजिए, 64 माला के ऊपर करिए, उससे कम कभी भी नहीं होना चाहिए, तो ही आप तर सकोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, निकलना पहले कर्म खत्म करिए और फिर जो उसके बाद जो जप होता है वो प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास करिए, पहले कर्म खत्म करो प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास करो। फिर
दे ऑलवेज फेल्ट डिस्टर्ब बाय कन्वर्सिंग विद मटेरियलिस्टिक पीपल. वो हमेशा दुखी होते थे जब चर्चा करते रहे विषय लोगों के साथ. सो दे डिसाइड टू ट्रेवल थ्रू द फॉरेस्ट. तब उन्होंने सोचा कि हम जंगल में ही जाएंगे, क्योंकि क्या जब भी लोग मिलते हैं संसार की चर्चा करते हैं, कहते कृष्ण कथा के अलावा या कोई भी प्रभु की लीला के अलावा कोई दूसरी चर्चा संत सुनना नहीं चाहता. उस लगता मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरे को केवल कृष्ण चर्चा करनी है, राम नाम करना है और कुछ नहीं करना इसके अलावा. जब इंसान इस प्रकार भाव में मग्न होता तब वो वास्तव में संत कहलाया जा सकता है. Now with the meeting, their distress was mitigated and their love for Krishna was aroused. यानी इनके दर्शन करने मात्र उनके दुख कम हो गए, खत्म हो गए और उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया जो था और बढ़ गया. यानी संत का संग का फल यही होता है, या तो भक्ति उत्पन्न हो जाए या जिसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति है उसकी भक्ति और बढ़ जानी चाहिए. भक्ति बढ़ गई तो समझो सही संत के दर्शन, भक्ति जीरो थी शुरू हुई तो समझो संत के दर्शन हो गए. फॉर सम डे नितिन प्रभु ट्रेवल विद मादेंद्रपुरी. कुछ दिनों के नितिन प्रभु मादेंद्रपुरी के साथ घूमते हैं. आई रिलिश डिस्कसिंग टॉपिक्स अलॉट कृष्णा. और कृष्ण कथा की कथा जो है उसका आस्वादन कर रहे दोनों, क्योंकि दो प्रेमी भक्त जब मिलते हैं वो क्या करते हैं, केवल हरी चर्चा करते हैं. तो आप देखोगे भगवद गीता में भी कृष्ण जी यही कहते हैं अर्जुन को, जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और भजन करने में सहायता करते हैं. हम लोग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, ये गलत है. आप हरी कथा करो, एक दूसरे की सहायता करो भजन में आगे बढ़ने के लिए. और जब महाप्रभु क्या बोलते, तारे देखो ताहे को कृष्ण उपदेश, जिसको आप दर्शन करते हो उसको कृष्ण का उपदेश को, तो क्या हम कृष्ण का उपदेश करें किसी को, तो महाप्रभु को कहाँ फॉलो करें. सिर्फ श्लोक कंठस्थ करने से क्या होता है, उसको फॉलो करो, जिसको देखो उसको हरी नाम करो, कथा का उपदेश दो कृष्ण कथा का, तब आपका करना सही है. या तो सामने वाले को अगर नहीं कोई सुनता तो आप हरिनाम करते जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से उसके उसके पाप कम होंगे और उसके मुख से हरिनाम निकलेगा. एक्चुअली जो है ना, जीव किसी को आकर्षित नहीं करता है, उसकी तपस्या का बल से उसके हृदय में राधा कृष्ण प्रकाशित होते हैं, वो राधा कृष्ण उसको आकर्षित करते हैं. अभी हनुमान जी के बंदर का मुख है, क्या वह सुंदर है, उनके हृदय में सीताराम जी विराजमान है, उसी कारण सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं. स्वामी महाराज जब पश्चात विदेश में गए थे 70 साल की उम्र में, क्या 70 साल की उम्र के कोई आदमी सुंदर होता है, लेकिन 18-20 साल के लड़के लड़कियाँ क्यों आकर्षित हुई, उनके अंदर जो राधा कृष्ण प्रकाशित है भजन के द्वारा वो आकर्षित कर रहा है. जीव का भजन दूसरे को आकर्षित करता है और कोई वो उसका शरीर नहीं करता है, जो उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकाशित है वो आकर्षित करते हैं. द कैरेक्टर्स मादेंद्रपुरी आर मोस्ट वंडरफुल. जो मादेंद्रपुरी के जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत है. ही फेल अनकॉन्शियस जस्ट फॉर सीइंग अ डार्क क्लाउड. केवल बादलों को, काले बादलों को देख के मूर्छित हो जाते थे. क्यों, काले बादलों के दर्शन करने माते उन्हें कृष्ण की याद आ जाती थी और कृष्ण की याद आते मूर्छित हो जाते थे. तो इसे कहते हैं, देखो ये होते प्रेम की अवस्था, अपने प्रेतम की हर वक्त हर स्थिति में याद आए. क्यों, महाप्रभु जब जाते हैं पुरी में घूमते हैं, किसी बगीचे को देखते उनको वृंदावन की याद आ जाती है, चतक पर्वत को देखते उनको गिराजी की याद आ जाती है. यही तो प्रेम के लक्षण है, अपने प्रियतम को सर्वत्र देखना ही वास्तव में भक्ति कहलाती है, प्रेम कहलाता है. आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा ही वुड डे एंड नाइट लाफ क्राई एंड एक्लेम हाई है ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रंकर. कृष्ण के प्रेम में मतवाले हुए रात दिन हंसते हैं, रोते हैं और हाय हाय करते हैं जैसे कोई शराबी करता है. लॉर्ड नित्यानंद वॉज इंटॉक्सिकेटिव लविंग सेंटिमेंट फॉर गोविंद. नित्यानंद जी जो थे उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति भाव थे. ही वुड लाफ लॉर्डली एंड स्वे टू एंड फ्रो विद लव ऑफ गॉड. वो कभी जोर से हंसते, कभी आगे पीछे होते प्रेम में, उन्हें उन्हें शरीर का होश ही नहीं होता था.
Madhendrapuri disciple constantly chanted name of Hari as they observed the extraordinary symptoms of love. Madhendrapuri ke jo shishya the, inke prem ko dekhne matra se unke mukh se harinam nikalna shuru kiya, lagatar harinam rok nahi pa rahe the, kyunki harinam hi us sthiti mein hame leke jata hai. The two forgot whether it was day or night in their absorption of ecstatic love. Ye dono bhul gaye the ki raat hai ki din hai bhav mein. Although they remained together for a number of days, they considered that time hardly a moment. Kai din ek dusre ke saath rahe, lekin unhe laga ki ek kshan hi abhi beeta hai. Who can know all the incident that took place between Nityanand and Madhendrapuri? Only Krishna can know. तो कहते कौन जान सकता है क्या घटना घटित हुई है सारी घटनाएं के बारे में. कहते नित्यानंद और मादंदरपुरी के बीच में कहते कृष्ण के अलावा कोई नहीं जान सकता है. तो कथा को हम विश्राम करते हैं, कथा हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे. वांछा कल्पत्रु भेश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.